नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मलिक। आज हम गन्ने पे चर्चा करेंगे, थ्रिप्स के ऊपर, जो हमारा एक कीट है जो रस चूसने वाला कीट है और जो पौधे की पत्तियों से रस चूसता है, उसमें किस प्रकार के लक्षण होते हैं, किस प्रकार हम उसको नियंत्रित कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि ये पौधे की फसल में बेहद ज़्यादा आने लगा है और जो हमारा पौधा होता है और उसमें भी जो प्रारंभिक अवस्था के पौधे होते हैं उनमें अधिक आता है। जैसे हमने जो लेट सोइंग की है, होने के 3-4 महीने के बाद इसमें काफ़ी अधिक प्रकोप इसका देखने को मिलता है। जैसे अब जहाँ हमने अप्रैल में गन्ना बोया था, अब मई जून में इसकी बहुत अधिक प्रकोप इसका होना प्रारंभ हो जाता है। और ये किस प्रकार पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है और उससे किस प्रकार का नुकसान पौधे में देखने को मिलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये थ्रिप्स से प्रभावित पौधा है और इस पे लक्षण आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार ये उसको प्रभावित करता है। ये पौधे के और किसी हिस्से में आपको इसका प्रकोप नजर नहीं आएगा। जैसे आप देखेंगे कि जो पौधे की गोब होती है, जो फ्लैग लीफ होती है, जो मध्यस्थ पत्ती होती है, उसमें इसका प्रकोप प्रारंभ होता है और खुली पत्ती में भी नजर नहीं आता। किसान जब हमको लक्षण नजर आते हैं उस समय तक थ्रिप्स का प्रकोप उस पत्ती पर होने के बाद वो दूसरी गोब वाली पत्ती को अपने चपेट में ले लेता है, वो रस चूसना उस गोब वाली पत्ती का शुरू कर देता है। तो ये मुख्य इसका जो मिलने का स्थान है वो है गोब, और गोब में भी जो हमारी फ्लैग ली जो सीथ है, जो मतलब मध्य सी पत्ती है, उसके बीच में उसका प्रकोप मिलता है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि थ्रिप्स का इसमें प्रकोप है, ये पहले यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि ये जो पत्ती का ये स्पॉट बने हुए हैं और यहाँ पर पीलापन पत्ती ने ले लिया है, जंग जैसी संरचना उसमें आने शुरू हो गई है। ये पहले यहाँ पर इसका थ्रिप्स का प्रकोप इस जगह पर उसमें देखने को मिला है। अभी भी यहाँ पर कुछ थ्रिप्स शेष है जिन्होंने इस पत्ती को अंदर की तरफ फोल्ड किए हुए हैं। कौन होगी, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें जैसे हम इसकी पत्ती को सीध को पत्ती को खोलेंगे तो इसके अंदर से धीरे धीरे हल्का हल्का मूवमेंट बहुत ही महीन होता है। ये काले रंग का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और ये इसमें गति करते रहते हैं। जैसे ही आप इसके सीध को खोलेंगे तो इसमें गति करना प्रारंभ कर देंगे, ऊपर नीचे की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये एक यहाँ पर है, बहुत महीन होता है जिसे आप आसानी से नंगी आंखों से देख पाना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इसका प्रकोप है, इसीलिए यहाँ पर इसने पत्ती का रस चूस लिया है। तो ये आप देख रहे थे कि इसमें हमने वहाँ ऊपर की तरफ जो लीफ में देखा, अब जो इसके मध्य में लीफ है मैं उस पर आपको दिखाऊंगा किस प्रकार यहाँ पर ये थ्रिप्स अटैक किए हुए हैं और ये थ्रिप्स यहाँ पर पाए हुए हैं। देखो, ये आपको थ्रिप्स एक नज़र आ रहा होगा, ये हैं और ये गति करते हुए काफ़ी मात्रा में ये रहे, यहाँ काफ़ी संख्या में ये रहे, जो एकदम तुरंत गति करना प्रारंभ कर देते हैं इधर उधर, क्योंकि ये सनलाइट में आते ही अपने आप को सूरज की रोशनी से सुरक्षित रखने के लिए छिपने का स्थान ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। ये थ्रिप्स काफ़ी संख्या में इसमें लगे हुए हैं, इसी कारण इन्होंने इस पत्ती का रस यहाँ से चूस लिया है, जो यहाँ पर जंग जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। काफ़ी मात्रा में ये थ्रिप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर इसलिए भी ये यहाँ पर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर नमी अधिक होती है, कुछ पानी की बूंदें उस टाइप यहाँ पे इकट्ठा होती है, उनका भी ये अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। और गन्ने का सबसे नाजुक भाग होता है, यहाँ पर नमी बहुत अच्छी मिलती है और सूरज की रोशनी से छिपने के लिए स्थान बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि चारों तरफ ये पत्ती को अपने चारों तरफ रस पीने के कारण अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे इसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित वो अपने आप को महसूस करते हैं और यहीं पे वो उसका रस चूसते रहते हैं। जितना हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे उतना थ्रिप्स का प्रकोप इसमें बढ़ता चला जाएगा। दिखाई दे रहा, ये थ्रिप्स जो हमारा है, ये गन्ने का अब प्रकोप इसमें काफी दिखाई देने लगा है, गन्ने में इसका प्रकोप काफी दिखाई देने लगा है। और आप देख सकते हैं इनकी मूवमेंट, इनकी गति, क्योंकि सूर्य की धूप में आने के तुरंत बाद ये छिपने के लिए छायादार स्थान को ढूंढने के लिए इधर उधर गति करना प्रारंभ करते थे और ये रस चूसा हुआ इनका स्थान है। इस प्रकार ये किसान एक साधारण व्यक्ति इनको थ्रिप्स को हमारे गन्ने की उसमें पहचान नहीं कर पाता है। चलो, तो इस प्रकार ये थ्रिप्स के लक्षण हैं, किस प्रकार वो पौधे में दिखाई देंगे
क्योंकि जो आम तौर पर हमारे गन्ने उत्पादक के किसान हैं या जो अन्य गन्ना का उत्पादन करते हैं, वे इसको पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये बीमारी है या कीड़ा है, क्योंकि ऊपरी दृष्टि से, प्रथम दृष्टा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई बीमारी लगी हुई है, इसलिए उसमें वो ज़्यादातर फंजीसाइड का प्रयोग कर देते हैं, फफूंदी नाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे इस थ्रिप्स का नियंत्रण नहीं हो पाता। इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम कीटनाशक दवाई, और वो भी सिस्टमिक कीटनाशक दवाई का प्रयोग करें। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इमीडा क्लोरोपिड नामक दवाई आती है, उसकी 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर, और गोब विशेष रूप से ध्यान रखें, जो पीली गोब आपको नजर आती है उस पर अवश्य अच्छे से तर करते हुए उसको हम स्प्रे करें, ताकि वो दवाई उस गोब के अंदर वहां तक उनको भी प्रभावित कर पाए, उस कीट, इस कीट को वहां पर मारने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कारगर होगी। इसके अलावा आप क्लोरो पायरीफोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जमीन में डालने वाली दवाइयों का प्रयोग उतना अच्छा कारगर सिद्ध नहीं होता है जितना इसमें, क्योंकि ये गोब में पत्ती के अंदर छिपे हैं, वहां पर जमीन में डाली गई दवाई का असर आने में काफी समय लगता है, लेकिन जो पत्तियों के ऊपर फोलियर स्प्रे होगा उसका प्रयोग करने से इसमें जल्दी आराम मिलेगा, जल्दी लाभ मिलेगा, और इस कीट को आसानी से नियंत्रित हम कर पाएंगे। ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान भाई इसको अंतर को नहीं जज कर पाते हैं, इसमें हमारे खेतों में थ्रिप्स लगा है या अन्य कोई बीमारी लगी है। इसलिए थ्रिप्स की मुख्य पहचान यही है कि वो गोब के अंदर वहां पर सकिंग चूसने वाला कीड़ा होगा, बहुत छोटा, बहुत महीन आकार का, जो उसको रस चूस के उसको पीले कर देता है, और मुख्य रूप से गोब पर इसका प्रकोप दिखाई देगा, जो गन्ने की पौधे की गोब है उसके ऊपर, जो साइड की पत्तियां हैं वे स्वस्थ रहेगी, उन पर इसका असर बहुत कम होगा नाम मात्र के लिए। यदि पहले इसका प्रकोप आया होगा तो इन पत्तियों पर असर होगा, अन्यथा जब इसका प्रकोप प्रारंभ होता है तो वो गोब से प्रारंभ होता है। तो ये थ्रिप्स के बारे में जानकारी थी कि किस प्रकार आप अपने खेतों में थ्रिप्स की पहचान करेंगे और किस प्रकार आप उसका नियंत्रण करेंगे, और नियंत्रण किस प्रकार करेंगे। इन सभी जानकारी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि मेरे द्वारा दी गई जो भी गन्ना संबंधी जानकारी है वो अधिकतम आप लोगों के पास, नवीनतम जानकारी तुरंत आप लोगों के पास पहुँचेगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।